मोहब्बत की निशानी ताजमहल पर भगवा लहराने के साथ साथ जलाभिषेक यानी गंगा अभिषेक का दावा करने वाली मीरा राठौर को CISF ने गिरफ्तार किया था और एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें मीरा राठौर को दिमागी रूप से कमजोर बताया गया। इस घटना से हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने मीरा राठौर के साथ मिलकर ESI विभाग पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि ESI और CISF के कर्मचारियों ने उनके पति और बेटे से क्या लिखवाया ये उन्हें भी नहीं मालूम। उनका आरोप तो ये है कि कोरे कागज पर बेटे का अंगूठा लगवाया गया जबकि वह हाई स्कूल पास है और पढ़ने लिखने में उसे आरबी है। संगठन की ओर से मांग की गई कि जिन कर्मचारियों ने इस घटना को अंजाम दिया और उनका वीडियो वायरल करवाया कि वह दिमागी रूप से कमजोर हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और वह सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, नहीं तो तेजो मोहल्ले पर फिर से भगवा लहराएगा और गंगा जल अभिषेक होगा क्योंकि मीरा राठौर तो पागल है और पागल कुछ भी कर सकता है। मीरा राठौर जिला अध्यक्ष जी, मेरे हस्बैंड को वहाँ पे बुलाया गया, काफी लोगों ने वहाँ पे जोर दबाव डाला मगर मुझे कुछ नहीं दिखाया क्या हो रहा क्या नहीं। कैमरे को जब मैं कोई गलती कर रही तो मैं करूँगी, जो भी करेंगे वो कौन होते हैं, तो उनसे कुछ भी लिखवाया हो मगर ना मुझे दिखाया ना कुछ बताया और क्या कह दिया कि पागल हो, तो पागल का कुछ सबूत मेरे को लेके दें या मेरा कहीं ट्रीटमेंट चला होगा वो भी लेके दें। आपने क्या किया ताजमहल पर? ताजमहल पे मैंने पूजा भी की थी अंदर जाके और गंगा जल भी चढ़ाया था वहाँ की, मगर मैंने वीडियो नहीं बना था इतने चौके मेरे के पास कोई वीडियो वाला नहीं था और बाहर आके मैंने भगवा भी लहराया और मैं एक बार नहीं हजार बार पागल बनना चाहूंगी चौके मैं बार बार भगवा भी लहराऊंगी पूजा भी करूंगी। आज इनने कह दिया कि पागल हो, तुम्हें तो पागल हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और बार बार करूंगी। ये समाचार पत्र सोशल मीडिया में तेजी के साथ एक एप्लीकेशन वायरल हो रही है जिसके ऊपर सुपुर्दगी लिखा हुआ है और ASI कर्मचारी और पुरातत्व अधिकारी ये बता रहे हैं माफीनामा है। तेजो महालम में आरती करी, गंगा जल चढ़ाया जिसकी जिम्मेदारी स्वयं मीरा राठौर ने ले ली, उन्होंने ये बताया वीडियो उन्होंने ही वायरल किया है जो कुछ है और माफीनामा ASI कार्यालय जबरन इनके पति से इनके लड़के से अंगूठा लगवाए। एक बात बताइए, जब लड़का 68% नंबर लेकर हाई स्कूल पास किया हुआ है तो वहाँ अंगूठा लगाने का क्या मतलब, उससे साइन नहीं कराएंगे। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग करी है कि दोषी अधिकारी इसमें लिखित रूप से माफीनामा सोशल मीडिया में मांगे कि मीरा राठौर पूर्ण से ठीक है, वह पागल नहीं है, अन्यथा की गश्ती में अगर वो ऐसा नहीं करते तो पागल है। अब भोले के दीवाने तो वास्तव में पागल होते हैं, तो भोले के दीवाने दोबारा भी फिर तेजो महल जाने के लिए मजबूर होंगे।